हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। आपने देखा कि अपना जो हम लोग यहाँ पे ALP असिस्टेंट लोको पायलट की हम लोग जितने भी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे वो नॉन टेक का पोर्शन, जैसे CBT 1 की मैं बात करूँ तो CBT 1 का भी पोर्शन पूरा कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन आपके पास यूथ, आप जाके यूथ टाइम्स के ऐप पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे भी जितना CBT 2 का पार्ट बी पोर्शन, CBT 2 का पार्ट बी पोर्शन जिसको टेक्निकल पोर्शन आप बोलते हो, वो मैं देख रहा हूँ। मैकेनिकल में जितने भी ट्रेड में एग्जाम हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ पूरा आपके सामने यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो आपने अभी तक देखा होगा, मैंने जिसका जो ट्रेड आप चूज करोगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन का कंपैरिजन कर सकते हो। जो ट्रेड आपने ITI या डिप्लोमा में लिया है उस ट्रेड में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे एक आपको अंदाजा लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अपना आज का पेपर है वो कौन सा पेपर है यार? ट्रेड मैकेनिकल डीजल, क्या है यार अपना ट्रेड मैकेनिकल डीजल सॉल्व पेपर। कब हुआ था? 23/1/2019, जो अपना फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। समझ में आती बात ये? क्लियर है? तो जिसका ट्रेड आपका क्या हो, मैकेनिकल डीजल लिया हो, वो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये मैंने पहले ही बताया कि पार्ट बी, ये मैं बताता रहता हूं कि ये आपका स्टेज, आपका CBT 2 का पार्ट बी है। समझ में आती बात? क्लियर? आइए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का उदाहरण है? ऑप्शन क्या क्या है आपका? कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड प्लास्टिक। ये है पूरा पहला क्वेश्चन। समझ में आता है बात? क्या बोल रहा है यहां पे? इंसुलेटर, इंसुलेटर का उदाहरण है। विद्युत रोधी, कौन सा विद्युत रोधी का उदाहरण है? इंसुलेटर का नाम जब भी आपका आएगा, जब भी आपका नाम इंसुलेटर का नाम आपका आएगा, तो उसमें आप जान लो कि करंट का फ्लो नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। जब कभी भी आपका इंसुलेटर का नाम आए तो आप एक चीज दिमाग में रखना, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब ऑप्शन उससे आप चेक कर सकते हो किस किस में धारा का प्रवाह नहीं होगा। आप सबसे पहले अगर ऑप्शन देखो, प्लास्टिक में, जो जनरल पर्पज रोज आप इस्तेमाल करते हो उसकी हम बात करते हैं, क्या प्लास्टिक में धारा का प्रवाह होगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। आपने कॉपर में भी देखा होगा, एल्युमिनियम में भी देखा होगा, सोने में भी धारा का प्रवाह होता है, लेकिन आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी आपका धारा का प्रवाह नहीं होता है। आपने घरों में भी देखा होगा। समझ में आती बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। करेक्ट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। देखो ये दोनों पॉइंट तो सबको पता रहता है, कॉपर के तो वायर लगे ही होते हैं, पंखे में कॉपर का वायर लगा होता है, एल्युमिनियम जब कभी भी तार आप लगाते हो, पहले जिसको कटिया बोलते थे उसमें, तो जो कॉपर का वायर होता था उसके ऊपर नुकीला करके एल्युमिनियम का तार लगाते थे, गांव में इस्तेमाल होता था पहले। तो आपको ये दोनों तो पता होगा यार कि इसमें धारा प्रवाह होती है। एक आप डाउट सोने में कर सकते हो और एक प्लास्टिक में। तो लेकिन प्लास्टिक में तो आपको घर में पता है आपको कि यार प्लास्टिक में तो करंट फ्लो होता नहीं, धारा का प्रवाह होता नहीं, इस वजह से ऑप्शन क्या है? डी है। समझ में आती बात? कोई दिक्कत? और जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी बोल सकते हो आप, माइका बोल सकते हो, ये सब पूरा क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ फाइल, विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फिलिंग कॉर्नर्स एंड एंगल दैट मेजर मोर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री से अधिक माप वाले कोणों और कोनों को रेतने के लिए किस प्रकार का रेती का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल, वर्गाकार रेती, नाइफ एज फाइल, या आपका राउंड फाइल, गोल रेती, ट्रेंगुलर फाइल या त्रिभुजाकार रेती। रेती, आपको पता है रेती कैसा होता है? रेती आपने देखा भी होगा, जो गांव से रिलेट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा, मतलब वो यूज भी करते हैं, प्रयोग में करते हैं। जैसे किसमें यूज करते हो आप रेती का इस्तेमाल करते हो? जिनके यहाँ घास काटने वाली मशीन होती है, घास काटने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें जो लगा रहता है उसमें, वो क्या करता है, घास काटते काटते उनका जो
टूल होता है वो घिस जाता है। जब घिस जाता है उसको पुनर्जीवित करने के लिए आप रेती का इस्तेमाल करते हो। समझ में आता है? मतलब उसको क्या बनाने के लिए? नुकीला बनाने के लिए। समझ में आती है? आपने घरों में भी देखा होगा कि रेती का इस्तेमाल आप कहां करते हो। तो मैं आपको जनरल एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आप देखिए बता रहा हूं मैं, कि आपका ये जो एग्जाम्पल आपने जो घास काटने वाली मशीन देखी है ना, जिसे आप घास काटते हो, वहां पे देखते हो कि बहुत दिन से इस्तेमाल करते करते उसकी जो धारा धार होती है वो क्या होती है? घिस जाती है। उसी को नुकीला बनाने का काम हमारा क्या करता है? फाइल। बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत टाइप के फाइल्स होती हैं, बहुत टाइप की रेती होती है। तो उसी में ये पूछा है कि जो फाइल कॉर्नर है एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री से ज्यादा। तो उसमें 60 डिग्री से ज्यादा सिर्फ किसमें होता है? ट्रेंगुलर फाइल में। समझ में आती बात? त्रिभुजाकार रेती में। क्लियर है यहां पे? अब आपको मैं रेती दिखा देता हूं। ये है रेती, ये रेती है। कई टाइप की रेती होती है, जैसे आप बात करोगे हैंड फाइल बोलते हैं इसको। ये है ट्रायंगुलर फाइल, ये देखिए ये इसमें छोटा सा ट्रायंगुलर बना हुआ है। ये आपका स्क्वायर फाइल है, ये आपका नाइफ एज फाइल है, ये आपका निडल फाइल है, ये आपका क्या है? फ्लैट फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, पिलर फाइल है, और ये आपका मिल फाइल। 10 टाइप की फाइल यानी 10 प्रकार की रेती आपको यहां पे दिखाया गया। और एक चीज दिखाने का यह भी कारण था, एक रीजन ये भी दिखाने का कारण था, एक क्यों? क्योंकि क्या करते हैं कभी कभी, वो कभी कभी क्या दे देंगे आपको? आपको ये डायग्राम दे देंगे, ये डायग्राम आपको दे दिया और आपसे ये डायग्राम पूछ लेंगे इसका व्यू कैसे बनेगा। तो ये ध्यान रखना, जब आपको ये पता रहेगा ये स्क्वायर फाइल है तभी आप ये बना पाओगे, आपको जब पता रहेगा कि आपका ये ट्रेंगुलर फाइल है तभी तो आप ट्रेंगल बना पाओगे। क्लियर है? यहाँ पे राउंड फाइल की बात करें, ये देखो आप हाफ राउंड फाइल है, राउंड फाइल है। तो ये व्यूज है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं कि अगर डायग्राम में ये आए, और आएगा, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि अगर ये डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सी फाइल है, तो इस डायग्राम से देख के आप बता पाओ कि ये ट्रेंगुलर फाइल है, त्रिभुजाकार रीति है। समझ में आती बात? इसमें कोई डाउट वाली बात? तो ये ध्यान रखना, सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और रेती का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आया, हर सेट में आया हुआ, चाहे शिफ्ट 1 की बात करें, शिफ्ट 2 की बात करें, चाहे शिफ्ट 3 की बात करें। तो जो फाइल है रेती है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा टाइप पता होना चाहिए इसमें, और रेती किस काम में आती है वो भी पता होना चाहिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए ट्विस्ट ड्रिल इज डेजिग्नेटेड बाई, ट्विस्ट ड्रिल को इसके अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है, स्पीड हाइट एंड मटेरियल, गति ऊंचाई तथा पदार्थ, स्पीड लोड एंड डायमीटर, गति भार तथा व्यास, डायमीटर टूल टाइप एंड मटेरियल, व्यास औजार का प्रकार तथा पदार्थ, विड्थ हाइट एंड टूल टाइप, चौड़ाई ऊंचाई तथा औजार का प्रकार। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा है ऑप्शन बताओ। तो जो हमारा ये ट्विस्ट ड्रिल है ना, ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है, इसको आप ऐसे नहीं देख पाओगे, आपको डायग्राम से दिखाना पड़ेगा कि जो आपका ट्विस्ट ड्रिल है ये है आपका ट्विस्ट ड्रिल, ये ड्रिल है आपका। समझ में आती बात? ये क्या है आपका? ये आपका ट्विस्ट ड्रिल है। और इसमें आपने देखा ये जो, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक बॉडी पे पूरा इस तरीके का मटेरियल आपका ग्रूव्स बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रूव। और अगर ये पूछा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है आप, पूरी बॉडी पे बने हैं देखो ग्रूव्स। और हेलिक्स एंगल भी पूछा जाता है, ये आपका हेलिक्स एंगल है। समझ में आती बात? ये क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है? शैंक कहलाता है, शैंक। क्लियर है यहां पे? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर हम फ्लूइड की बात करें तो ये आपका क्या है? फ्लूइड है। क्लियर है? समझ में आती बात? ये है आपका, ठीक। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये आपका क्या है? फ्लूइड है। ये पोर्शन आप देखो, ये आपका जो बना हुआ है ये आपका फ्लूइड पोर्शन है। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समझ में आती बात?
तो जब कभी भी आपसे अब पूछा जाए तो यह आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं ग्रीन कलर का कर रहा हूं, ये इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। समझ में आती बात ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ध्यान रखना आज की बात कि जब कभी भी ट्विस्ट ड्रिल की बात आए तो ये आपका पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका पोर्शन कहलाएगा ये जो वाला पोर्शन है फ्लूइड का पोर्शन। समझ में आती बात, किससे पहचान रहे हो आप पहचान किससे रहो, ये पोर्शन आपका क्या है, शैंक है। ये देखो इसलिए बता रहा हूं, इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि बार बार पूछा जाएगा ट्विस्ट ड्रिल का क्वेश्चन। जैसे आपका फाइल का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ट्विस्ट ड्रिल का भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है। एंगल भी पूछा जाता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए आप पॉइंट एंगल का कितना इस्तेमाल करते हो, हेलिक्स एंगल का कितना इस्तेमाल करते हो, तो वो आपको डायग्राम से भी पता होना चाहिए। समझ में आती बात ही? ये देखो यहाँ पे चीजल पॉइंट है, ये आपका लिप है, ये मार्जिन ऑफ लैंड है, और ये आपका क्या है, पॉइंट एंगल। और इसी एंगल को बहुत पूछा जाता है, पॉइंट एंगल को। डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका 118 डिग्री जनरली लेते हैं, ब्रिटिल कठोर मटेरियल के लिए आपका कितना लेते हैं, 135। तो ये वैल्यू भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो जो आपका क्वेश्चन है अब क्या बोल रहा है कि ए ट्विस्ट ड्रिल इज डेजिग्नेटेड बाय, डेजिग्नेटेड श्रैंक की बात की थी हम लोगों ने, तो ये जो डिसाइड होता है वो डायमीटर से होता है, टूल टाइप से होता है और मटेरियल का। तो जैसे जैसे ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, आपका तन्य पदार्थ से भी बनता है, आपका भंगुर पदार्थ से भी बनता है। समझ में आती है? उसके लिए आपका जो बिंदु कोण है वो भी आपका अलग अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको किस प्रकार से डेजिग्नेटेड किया जाता है, डायमीटर से, अलग अलग व्यास का होता है, टूल टाइप का, क्योंकि वो तन्य पदार्थ से या भंगुर पदार्थ से भी बनता है, और आपका क्या है, मटेरियल। समझ में आती बात, हर टाइप का टूल इस्तेमाल कर सकते हो और हर टाइल का आप पदार्थ इस्तेमाल करते हो, इसलिए जब ट्विस्ट ड्रिल को डेजिग्नेटेड की बात आती है तो वहां पे हम डायमीटर, टूल टाइप और मटेरियल की बात करते हैं। समझ में आती बात, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, एन एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज यूज टू, वही मारपी मतलब क्या होता है, बाहर माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, मेजर इनसाइड डायमीटर आंतरिक व्यास को मापने के लिए, मेजर डेप्थ गहराई को मापने के लिए, मेजर लेंथ या लंबाई को मापने के लिए, या मेजर आउटसाइड डायमीटर। तो जब कभी भी यहां देखो लिखा है आउटसाइड वही मापी, इसका मतलब है बाहरी, बाहरी आयाम, यानी ये किसको मेजर करेगा, बाहर की उसको मेजर करेगा। तो मेजर आउटसाइड माइक्रोमीटर का ग्राम भी पता होना चाहिए, ये आपका माइक्रो। आप यहां पे वर्कपीस को फंसाते हो, यहां पे, यहां से आप क्या मेजर करते हो, डायमीटर। समझ में आती बात, ये है आपका माइक्रोमीटर, फ्रेम है, लॉक नट है, और आपका ये थिम्बल है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि इसमें जो नंबरिंग होती है, और आपका ये क्या है, रैचेट स्टॉप है, और ये आपका क्या है, स्लीव विद द वर्नियर ग्रेजुएशन। तो आपको माइक्रोमीटर का पता होना चाहिए कि ये आंतरिक व्यास और आउट बाहरी व्यास को मेजर करता है, दोनों को। यहां पे आप वर्क पीस जिसका डायमीटर आपको मेजर करना होता है आप यहां पे लगाओगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजर आउटसाइड डायमीटर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी, व्हेन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ स्टार बैटरी डिक्रीजेस टू 1.12, व्हाट कंडीशन ऑफ बैटरी। जब स्टार विद्युत अब घटेगा, अपेक्षित घनत्व घटकर 1.12 हो जाता है, तो बैटरी किस स्थिति में होती है। इसका क्या बोल रहा है कि जब आपका क्या
रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व कितना घट के हो जा रहा है, 1.12। तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी, क्या वह कंडीशन लघुपतन की स्थिति की होगी या इज ए शॉर्ट सर्किट की वजह से होगा, या आपका डिस्चार्जिंग की स्थिति में होगा, या आपकी चार्जिंग की स्थिति में होगा, या तो आप इसके बारे में परिवर्तन धारा प्रदान न कर पाने की स्थिति में होंगे जब आपका क्या रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व की वैल्यू कितनी है, 1.12। समझ में आ रही कितनी है, 1.12। तो ये जो कंडीशन होती है, ये होती है आपकी किसमें, डिस्चार्जिंग की कंडीशन। किसकी कंडीशन में होती है, ये आपकी डिस्चार्जिंग कंडीशन में होती है। समझ में आती बात, इसमें क्लियर है। मैं आपको एक टेबल देता हूं घनत्व के आधार पे, तो जो आपको अंदाजा एक लगेगा, ये से अभी वैल्यू कितना दे रखा था, 1.12 दे रखा था, तो 1.10 से 1.10 ये के बीच में आया था। समझ में आती बात, तो ये आपका डिस्चार्ज बैटरी की कंडीशन, चार्ज की जरूरत की डेटा है 1.20 से 1.230, किसकी वैल्यू, रिलेटिव डेंसिटी की। समझ में आ रही बात, ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है, और एक रेंज क्या है, 1.20 से 1.290 फुल चार्ज। तो अभी आपसे डिस्चार्ज बैटरी का पूछा है, आप ये दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए ये डेटा याद होना चाहिए। समझ में आती बात, ये पूछा जा चुका है आपसे डिस्चार्ज की कंडीशन की। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, आधे चार्ज की और फुल चार्ज। वाली बात नहीं, तो आप इसको अब ध्यान रखोगे। समझ में आती बात, ये देखो यहां पे क्या दे रखा, 1.12 और रेंज क्या है कि 1.110 से 1.10। समझ में आती बात, ये सब क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इन आप पता है फ्यूल मिक्सचर कंप्रेसेस वायु ईंधन को मिश्रण संपीड़ित होता है, एयर इनटू द कंबशन चैम्बर हवा दहन कक्ष में प्रवेश करती है, एग्जॉस्ट गैस आर रिलीज, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, ओनली एयर कंप्रेस्ड इन द कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष में सिर्फ हवा संपीड़ित होती है। किसकी बात कर रहा है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। किसकी बात कर रहा है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में अगर मैं बात करूं, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में आपका अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, आपसे मैं आप बात करूं यहां पे कि ये बताइए, जो पहला होता है यहां से जब एयर इंटर करती है, यहां से क्या इंटर करती है आपकी, एयर, डीजल की बात कर रहा हूं, एयर इंटर करती है उसको क्या बोलते हैं आप, समझ में आती बात, जैसे ही एयर आया, एयर आएगा तो ये जो पिस्टन है आपका, वो कहां से आएगा, टॉप डेड सेंटर से, वो कहां चला आएगा, बॉटम डेड सेंटर। जैसे ही इसमें हवा भरी, ध्यान से देखना, जैसे ही यहां से हवा भरी, ये पिस्टन आपका कहां है, पिस्टन इसमें, यहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, यहां का प्रेशर होगा कम, और प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो पिस्टन आपका कहां होगा, ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। समझ में आती बात, क्लियर। अब यहां से जब ऊपर से नीचे आएगा
फिर इसको क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। जब ये भी बंद है और इधर भी बंद है तो आपका क्या होगा, आप इधर प्रेशर ज्यादा है इधर कम है, तो पिस्टन आपका फिर कहां से कहां मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी। एयर यहां पे आ गई, पिस्टन आपका नीचे आया, अब उसको आप बंद कर दिए, वहां पे हवा है और आपका जो पिस्टन है वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो जो हवा उसमें है उस पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। उसी घटना को हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो कंप्रेशन का मतलब है हवा क्या हो रही है, इसीलिए पीवी डायग्राम है तो ये प्रेशर P1 जो है वो कम है और P2 पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका 100% आता ही रहता है, समझ में आती बात। तो आपसे कौन से प्रोसेस की बात किया है, कंप्रेशन की बात किया है, तो कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेशन में ये होगा कि हवा आ चुकी है, पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है, फिर आप इनलेट वाल्व को बंद कर देते हो, फिर उस पे वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाता है और वायु क्या हो जाती है, हमारी संपीड़ित हो जाती है पूरी। आपसे सिर्फ प्रोसेस 1 से 2 के बारे में पूछा गया था, मैंने आपको सिर्फ क्या होगा, दहन कक्ष में करें, इसमें कोई डाउट एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेसर या एयर कंबसर सक्शन में होता है, समझ में आती है बात। और यह घटना कहां होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है कंप्रेसर, समझ में आती बात। एग्जॉस्ट गैसेस कहां से निकलती हैं, ये आपको पता चल गया कि यहां से आपका क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पे मिक्स होगा और फिर मिक्स होने के बाद वहां पे क्या दोगे आप, हीट दोगे, समझ में आती है सब बात, क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिवेटिंग करते हुए, रिवेटिंग मतलब जोड़ बनाते हुए, रिवेट किस पदार्थ का होना चाहिए, तो जो रिविट आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आप एल्यूमिनियम से क्या कर रहे हो, जोड़न है, रिविट मतलब ज्वाइंट बना रहे हो, तो रिविट का इस्तेमाल कर रहे हो, मटेरियल आपका एल्यूमिनियम है, तो जो आप रिविट का इस्तेमाल कर रहे हो वो किसका होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए, एल्यूमिनियम का होना चाहिए, टिन का होना चाहिए या माइल्ड स्टील का होना चाहिए, जो रिविट आप बनाते हो, जो रिविट बनाते हो मटेरियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। ये आपका क्या रिविट है, ये आपको देखो ज्वाइंट किया गया, ये मटेरियल है, समझ में आती बात, ये क्लियर है, यहां पे कोई डाउट वाली बात नहीं, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं आपको रिवेट, समझ में आ गई बात। अगर एल्यूमिनियम का होता मटेरियल आपका, अगर पदार्थ आपका एल्यूमिनियम का होगा तो आपका जो रिवेट होगा ना, रिवेट जो होगा वो भी आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम का ही होगा, समझ में आई बात ये सब।
मेटल धातु को का मार्क आने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है क्या? समझ में आती? और सेंटर पंच का और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सेंटर पंच का जो इस्तेमाल किया जाता है इससे पूछा गया, सेंटर पंच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है वो आप क्या कर रहे हो, पॉइंट मार्किंग के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेंटर पंच, ये आपका, ये आपका सेंटर पंच है, ये आपका क्या है, सेंटर पंच है आपका। समझ में आती है बात? ये आपका है, ये जो एंगल है वो आपका ये है सेंटर पर, यहां पे एंगल 90 डिग्री है। क्लियर? उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं, एक डॉट पंच पूछा जाता है, एक आपका प्रिक पंच पूछा जाता है। सेंटर पंच तो पूछा जाता है, सेंटर पंच और इनका जो पंच का इस्तेमाल करते हो आप मार्किंग के लिए तो करते ही करते हो, मार्किंग के लिए तो करते ही करते हो, लेकिन इसमें जो टाइप पूछा जाता है उसमें आपका एक डॉट पंच भी आता है और एक आपका क्या आता है, बात करोगे तो उसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री, प्रिक पंच की बात करोगे तो वो उसका एंगल कितना होगा 30 डिग्री। याद रखना ये आपका क्या है, डॉट पंच, ये सब पूछा जाता है, और ये आपका क्या है, प्रिक पंच। जो पूछा जा रहा वो सारे बता रहा हूं मैं पॉइंट आपको, समझ में आती बात ही। ये आपका डॉट पंच है, डॉट पंच का एंगल कितना है 60 डिग्री, प्रिक पंच का एंगल कितना है 30 डिग्री। क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात? क्लियर? इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं। सेंटर पंच का आपको एंगल पता होना चाहिए 90 डिग्री है, इसके अलावा ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछ सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आती बात ये? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आती है बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इन एन आईसी इंजन द इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर इज प्लेस्ड एट द, आईसी इंजन में इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर, इनलेट वायु ताप संवेदक लगाया जाता है किसमें, क्रैंकशाफ्ट में, कैमशाफ्ट में, या इनलेट मैनिफोल्ड में, या आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है? तो जो आपका इनलेट एयर टेम्परेचर है, इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर है, वो किसमें लगाया जाता है, आपका इनलेट मैनिफोल्ड में लगाया जाता है। वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। समझ में आती है बात? समझ में आ गई बात? ये कहां पे लगाया जाता है, इनलेट मैनिफोल्ड में। क्यों इनलेट मैनिफोल्ड में, इसलिए होता है वहां पे जब आपका क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है संपीड़न प्रक्रिया के बाद, वहां का तापमान का बताने का काम आपका इनलेट एयर टेम्परेचर, यानी आपका क्या है, इनलेट वायु संवेदक, आपका सेंसर काम वहां पे करता है। समझ में आता?
एज अ कोटिंग मटेरियल इन अ कैटेलाइटिक कन्वर्टर। कैटेलाइटिक कन्वर्टर में कोटिंग पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टिन, लेड एंड ब्रास, ब्रास टिन एंड आयरन, वेनेडियम रोहिडियम एंड पैलेडियम, या आपका स्टील, कार्बन एंड एल्यूमिनियम। किसका इस्तेमाल आप करते हो, किसमें किसमें इस्तेमाल करते हो आप, इसमें इस्तेमाल करते हो आप किसमें? कैटेलाइटिक कन्वर्टर में। बताइए बताइए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हो। उससे पहले क्वेश्चन यह आता है कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर क्या होता है। कैटेलाइटिक कन्वर्टर, आप कभी भी गाड़ी चलाओ, चाहे दो चक्के वाली चलाओ, आप टू व्हीलर चलाओ या फोर व्हीलर चलाओ, तो जब आपकी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती है, जहां पे आपका साइलेंसर लगा होता है, साइलेंसर के ठीक पास में आपका क्या लगा होता है? कैटेलाइटिक कन्वर्टर। क्या काम होता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर का? कैटेलाइटिक कन्वर्टर का काम यह होता है, जैसे आपने गाड़ी में देखा, आपने आपके चार स्ट्रोक होते हैं और टू व्हीलर में आप टू स्ट्रोक करते हो, आपका ईंधन फ्यूल फ्यूल जो हुआ ईंधन जला, ठीक बात है, ईंधन आपका जला, जो एग्जॉस्ट गैसेस, जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, वहां से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत क्या रहती हैं, बहुत ज्यादा आपके पर्यावरण को हानिकारक करने वाली गैसेस होती हैं। समझ में आती है? पर्यावरण को हानिकारक करने वाले गैसेस होती हैं, उन हानिकारक गैसों को कम हानिकारक बनाने के लिए, समझ रहे हो बात, हानिकारक गैसेस को कम हानिकारक बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कैटेलाइटिक कन्वर्टर। समझ में आ गई बात? तो आपसे कभी कोई ये पूछे कि क्या काम करता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर और कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका ईंधन है, फ्यूल है, जला, आपको पावर दिया, वर्क दिया, और उसके बाद जब आप एग्जॉस्ट वाल्व को खोलते हो, वहां से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत हानिकारक होती हैं। किसके लिए? पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण को कम प्रदूषित करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैटेलाइटिक कन्वर्टर। क्या काम होता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर का? अब जैसे मैं बोल रहा हूं आपको पर्यावरण को नुकसान करती है, तो कौन सी गैसेस होंगी ऐसे? वो गैसेस हैं आपकी क्या? हाइड्रोकार्बन। समझ में आती बात? वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आती? ये सब जो गैसेस होती हैं वो आपका क्या करती हैं? नुकसान करती हैं। और आपका क्या हो गया? NOx। ये सब क्या है? पर्यावरण को आपकी बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली गैसेस है, पॉल्यूशन को बढ़ाने, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करती है, वायु प्रदूषण आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो इनकी मात्रा को कम करने के लिए, कम कैसे करेंगे? कम ऐसे करेंगे कि जो आपका HCH है, अनबर्ड कार्बन है, उसको H2O में कन्वर्ट कर दो, वाटर में कन्वर्ट कर दो, और ये जो आपका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको CO2 में कन्वर्ट कर दो, और NOx को किस में कन्वर्ट कर दो? नाइट्रोजन। समझ में आती बात ये सब? अगर आपने हाइड्रोकार्बन को आप किस में कर रहे हो? H2O में, जल में परिवर्तित कर दे रहे हो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दे रहे हो, और आप NOx को नाइट्रोजन में कन्वर्टित कर दे रहे हो, तो आप यह क्या कर रहे हो? आप वायु प्रदूषण को कम कर रहे हो। समझ में आती बात ये सब? क्लियर है यहां पे? और वो कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये है कैटेलाइटिक कन्वर्टर आपका, ये कैटेलाइटिक कन्वर्टर है, और यहां से आपकी गैसेस जो निकलती हैं, जो आपकी इंजन देता है, इसका मतलब क्या है? इंजन जो आपका इमिट करता है, जो निकालता है, वो रहता है HCCO और NOx। और यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? यहां पे हम कन्वर्टर का इस्तेमाल करके इस HC को H2O में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपका NOx को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। यही आपसे पूछा गया है कि यहां पे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, कोटिंग जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कैटेलाइटिक कन्वर्टर के बारे में क्यों बता रहा हूं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इससे भी पूछा जा सकता है कि HC जो है हाइड्रोकार्बन आपका किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें बदलेगा, और वो बदलेगा किस वजह से? क्योंकि आपका क्या लगा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका कोटिंग यानी लेपन, लेपन पदार्थ लगा है यहाँ पे। क्या लगा रहे हो आप? लेपन पदार्थ, कोटिंग मटेरियल आप लगा रहे हो। समझ में आती बात? ये लेपन पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन कौन सा करते हो आइए बताते हैं। ये आपका जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल आप प्लैटिनम करते हो, जब प्लैटिनम का आपका लेपन करते हो तो वो आपका HC किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2O। समझ में आती बात? और आप ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसमें कन्वर्ट करता है? ये पैलेडियम का,
पैलेडियम का इस्तेमाल करके आप कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 का इस्तेमाल करते हो, और आपका NOx है आप रोडियम का इस्तेमाल करके आप NOx को N2 में कन्वर्ट करते हो। तो कौन से ऑप्शन में है आपका, प्लेटिनम तो नहीं है लेकिन रोडियम और पैलेडिनियम है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी जो प्लेटिनम का काम करेगा वही काम आपका क्या करेगा, वैनेडियम करेगा। समझ में आती बात? तो कैटलेटिक कन्वर्टर आपको ध्यान रखना है, कैटलेटिक कन्वर्टर का काम ध्यान रखना है आपको, और आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है कि कैटलेटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन अब आपके ALP एग्जाम में कैटलेटिक कन्वर्टर से आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, इससे ज्यादा बाहर कुछ पूछ भी नहीं पाएगा वो। समझ में आती बात है? कैटलेटिक कन्वर्टर का आपको अगर ये सारी बातें पता है जितना मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। समझ में आती बात है? इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात इसे? क्लियर है? इसमें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, ऑटोमोबाइल बैटरी कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, और ये क्वेश्चन आपका हटा लिया गया था, ये भी देखो मैंने आपको लिखा है जो आपका ये क्वेश्चन हटा लिया गया था इसमें एग्जाम में, ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता निम्नलिखित पर किस पे निर्भर करती है। समझ में आती बात? ये क्वेश्चन भी हटा लिया गया था इसमें। क्लियर है आपका? तो यहां से ये क्वेश्चन आपके में हटा लिया गया था। क्लियर है? तो आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको बैटरी साइज दे रखी है, आपका वोल्टेज दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्लेट एंड देयर साइज, किस पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी। समझ में आती बात ही? समझ में आती बात? तो आपका ये जो कैपेसिटी आपकी डिसाइड करते हैं उसमें होता है आपका डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज रेट पे डिपेंड करता है, उनकी ज्योमेट्री केमिस्ट्री पे, केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और आपका किस पे डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ प्लेट एंड देयर साइज। जैसे जैसे आप प्लेट बढ़ाते जाओगे बैटरी की कैपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आती बात? बैटरी की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं? तो ये क्वेश्चन आपका हटा लिया गया था, आंसर वैसे डी दिया जा सकता है। क्लियर? कोई डाउट वाली बात? कोई डाउट वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑयल हैज हाइएस्ट विस्कोसिटी ग्रेड, हाइएस्ट विस्कोसिटी ग्रेड किसका होता है, निम्नलिखित में से किस तेल की श्यानता ग्रेड उच्चतम होता है, SAE जो रिलेटेड होता है वो श्यानता से ही रिलेटेड होता है, जो आपका ये SAE है ना वो किससे रिलेटेड होता है, श्यानता से। समझ में आती बात? विस्कोसिटी से आपका ये डायरेक्ट रिलेटेड होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोसाइटी, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिव, और इसका मतलब होता है इंजीनियर, SAE, सोसाइटी ऑटोमेटिव इंजीनियर, ये देते हैं इसकी वैल्यू। किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये SAE, यानी ये आपका क्या बताता है, शांता बताता है, आपका शांता बताता है, और SAE का फुल फॉर्म पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए, सोसाइटी ऑटोमेटिव इंजीनियर। समझ में आ गई बात? तो जो आपका हाई शांता वाला होगा, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जो शांता है वो उतनी ज्यादा होगी। समझ में आती बात? तो जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी शांता उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन में सबसे ज्यादा शांता किसकी दिखा रही है, 120, यही आपका ऑप्शन। सबसे अगर निम्नतम पूछता तो आपका क्या हो जाएगा, 5, ये क्या हो जाएगा, निम्नतम। समझ में आती बात ये? ये सबसे लो हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट, यहां पे कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहां पे? क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, Which of the following filter is fitted on the intake manifold? निम्नलिखित में से कौन सा intake manifold पर लगाया जाता है, आपका pollen filter, fuel filter, या air filter, या oil filter? कहाँ पूछ रहा है? Intake manifold पे। Intake पे कौन सा लगाते हैं बताओ? तो जो आपके intake manifold पे लगता है वो क्या लगता है? Air filter लगता है। क्यों लगता है air filter? इसका कोई ना कोई तो reason होगा, क्यों लगा होता है, क्यों लगा होता है? तो जो ये एयर फिल्टर होता है,
तो जो आपकी फ्यूल इंटर करती है किसमें, सिलेंडर में, जब फ्यूल आपको इंटर करती है तो उसमें जो बहुत सारे क्या रहते हैं, कंपोजिशन होते हैं, डर्ट मतलब गंदगी रहती है, उनको साफ करने का काम आपका क्या करता है, एयर फिल्टर करता है। समझ में आती बात? एयर फिल्टर का काम क्या होता है, जो फ्यूल आपका इंटर हो रहा है, एयर जो है उसमें, उसको साफ करने का काम आपका एयर फिल्टर करता है। समझ में आती बात? क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो कहां लगाते हैं इनटेक मैनिफोल्ड में, एयर फिल्टर लगाते हैं। क्लियर है? ये है आपका, देखो ये एयर फिल्टर आपका, ये देखो लगा है आपका एयर फिल्टर यहां पे, इनटेक मैनिफोल्ड पे एयर फिल्टर ये आपका लगा हुआ है। क्लियर? ये आपका यहां पे इंटर कर रहा है ना, वहीं पे लगा हुआ है ये, ताकि आपकी जो फ्यूल जा रही है ना वो आपका क्या हो, फिल्टर होके जाए, गंदगी ना जाए, साफ करने का काम आपका एयर फिल्टर का होता है। समझ में आती है बात? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं? देखो यहीं से है तो है, ये इंजन है आपका, यहां से हुआ तब यहाँ पे आके देखो ये निकला हुआ है, फिर इसमें जा रहा है, और ये क्या है, यहां से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस। ये मफलर भी पूछा जाता है कहाँ लगा होता है, मफलर का इस्तेमाल करते हो आप, जो साइलेंसर, साइलेंसर के बाद लगा होता है आपका मफलर, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? तो ध्यान रखना इन सब बातों का, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ द ड्रिल यूज्ड इन ड्रिलिंग कॉपर, कॉपर के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करते हो ड्रिल एंगल? तो देखो एक बेसिक जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग याद करते हैं, वो पता है आप, हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ, डक्टाइल या जनरल, जनरल कभी भी पॉइंट एंगल की बात करता है, तो हम लोग कितना ले लेते हैं यार, 118 डिग्री। अगर 118 डिग्री ऑप्शन में है तो हम लोग क्या लगाते हैं, 118 डिग्री। ये किसके लिए है, तन्य मटेरियल के लिए, किसके लिए है आपका, ये है आपका तन्य पदार्थ के लिए, तन्य पदार्थ के लिए आपका इस्तेमाल होता है। समझ में आती बात? तन्य पदार्थ के लिए आपका जो इस्तेमाल होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री। यहीं पर आप हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें, ब्रिटल मटेरियल की अगर हम बात कर लें, ब्रिटिल मटेरियल की बात करें या भंगुर पदार्थ की बात करें, भंगुर पदार्थ की बात करें, तो ये एंगल जो है बढ़ के कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। समझ में आती बात ये पहले तो बेसिक याद रखो, भंगुर पदार्थ के लिए और तन्य पदार्थ के लिए, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटिल मटेरियल। अब आपसे क्या पूछा है, कॉपर, कॉपर का मतलब ये है, कॉपर का मतलब ये है कि आपका जो ये किस रेंज में आएगा, ये डक्टाइल के रेंज में आएगा, तन्य पदार्थ के रेंज में आएगा, किस रेंज में आएगा, तन्य पदार्थ के, और तन्य पदार्थ की वैल्यू आप कितना याद रखते हो, 118, इसका मतलब 140 तो होगा नहीं। समझ में आती बात? यानी 118 के सबसे पास कौन सा है, 80 डिग्री, आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्ट याद कर लो यार कि इसका कितना होता है, 80 डिग्री। समझ में आती बात ये, ऐसे लगाओगे, ये दोनों तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट एंगल 118 डिग्री दिया रहेगा ऑप्शन में हमेशा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे बोल रहा है, व्हाइल स्टार्टिंग एन इंजन द स्टार्टर मोटर पिनियन मैसेज विद द, इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर पिनियन के साथ जुड़ जाता है, फ्लाई व्हील रिंग गियर, फ्लाई व्हील रिंग गियर के साथ, क्रैंकशाफ्ट के साथ, कैमशाफ्ट के साथ, या क्लच के साथ। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो जो आपका स्टार्टर मोटर पिनियन है वो किसके साथ जुड़ता है, वो आपका जुड़ता है किसके साथ, वो जुड़ता है आपके फ्लाई व्हील के साथ। समझ में आती बात? ये आपका जुड़ता है किसके साथ, फ्लाई व्हील के साथ। क्लियर है? यहाँ पे फ्लाई व्हील रिंग गियर के साथ वो मिलता है, और फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, फ्लाई व्हील का काम होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, उतार चढ़ाव जो आपके उसमें हो रहा है, वेलोसिटी में, वेग में, या स्पीड में, चाल में, उसको रोकने का काम या स्थिर करने का काम आपका क्या करता है, फ्लाई व्हील करता है। समझ में आ गई बात की? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैटरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैटरी से संबंधित नहीं है, कौन सा वर्ड आपका बैटरी से संबंधित नहीं है, सेल डिवाइडर, बेंडिक्स, विद्युत अपघटय, या आपका वेंट कैप। तो ये तो सबसे पहले पता है कि विद्युत अपघटन तो होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें वेंट कैप भी इस्तेमाल होता है, आपका सेल डिवाइडर भी इस्तेमाल होता है, उसमें जो इस्तेमाल नहीं होता है वो होता है आपका बेंडिक्स। समझ में आ गई बात? तो बैटरी से जो रिलेटेड नहीं रहने वाला है वो होता है आपका बेंडिक्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है?
क्लियर है यहां पे? तो आपका बेंडिक्स आपका बैटरी का पार्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसर, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंसर है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंसर है, स्पार्क प्लग, क्रैमशाफ्ट पोजीशन या रिले या आपका इंजेक्टर, इनमें से कौन सा आपका सेंसर है बताओ, इसमें कौन सा आपका सेंसर है? तो जो इसमें सेंसर है, जो इसमें सेंसर है वो बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्या बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, समझ में आती बात? तो ये आपका सेंसर। स्पार्क प्लग आपका क्या होता है, स्पार्क प्लग का इस्तेमाल तो आप एसआई इंजन में करते हो फ्यूल को बर्न करने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, ईंधन को जलाने के लिए आप उसमें इस्तेमाल करते हो स्पार्क प्लग, समझ में आती बात, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ना? तो ध्यान रखना जो सेंसर होता है आपका वो क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है आपका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, डायग्राम भी ध्यान रखना, कभी कभी वो डायग्राम ही दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्या बोलेंगे इसको, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये क्यों दिखाता हूं मैं डायग्राम, इसलिए दिखाता हूं कि इस पे डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे ये दे दे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, एक बार देख लो आप कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता कैसे है, समझ में आती बात, ये क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट वाली बात, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बियरिंग, बियरिंग का क्या कार्य होता है, टू रोटेट एट हाई स्पीड, उच्च गति पर घुमाना, टू जनरेट हीट, उष्मा उत्पन्न करना, टू एनेबल इजी मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट एंड गियर, शाफ्ट और गियर की गति को आसान करना, टू बैलेंस द शाफ्ट, शाफ्ट को संतुलित करना, बताओ बियरिंग का क्या काम होता है। बियरिंग का जो काम होता है आप देखोगे जहां जहां आपका शाफ्ट लगा होगा वहां पे आपका बियरिंग लगा होता है, उस बियरिंग में भी आपका क्या स्पेशल टाइप की बियरिंग होती है, जो जनरल बियरिंग है, जनरल बियरिंग आपका शाफ्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये टू इनेबल द इजी मूवमेंट एंड द शाफ्ट ऑफ द गियर एंड गियर, उसको आसान बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, बियरिंग। बियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शाफ्ट और गियर की मूवमेंट को आसान कर देता है आपका क्या, बियरिंग। बियरिंग आपका दो टाइप का होता है, एक आपका क्या है डीप बाल डीप ग्रू बियरिंग, और एक आपका रोलर यानी कॉन्टैक्ट एंगुलर बियरिंग की हम बात कर लें, उस वो मशीन डिजाइन के पोर्शन में आता है। तो आपका बियरिंग इस्तेमाल करते हैं हर जगह, टैपर जैसे शाफ्ट है आपका, तो टैपर शाफ्ट के लिए भी आपकी बियरिंग बनी हुई है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना। तो जो आपकी बियरिंग इस्तेमाल होता है वो आपका क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू एनेबल इजी मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट एंड गियर, क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाई ए स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है, आपका स्पार्क प्लग द्वारा ये जो आपका वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो ये वैल्यू याद रखना, ध्यान रखना आपका स्पार्क प्लग इस्तेमाल कहाँ होता है, स्पार्क प्लग आपका इस्तेमाल होता है पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन में आप इसका क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो किसके लिए, इसमें फ्यूल कंबशन के लिए, फ्यूल को आप कंबशन के लिए, या आप बोल सकते हो स्पार्क प्लग का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ईंधन को जलाने के लिए, किसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें इस्तेमाल जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसआई इंजन, समझ में आती बात, पेट्रोल इंजन, क्लियर है यहां पे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो उसका वोल्टेज कितना होता है, उसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 18,000 वोल्टेज, कितना होता है आपका 18,000 वोल्टेज होता है, समझ में आती बात, समझ में आती है बात।
तो ये जो आपका ये भी पूछा जाता है, जो स्पार्क प्लग होता है वो बना किससे होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिरेमिक या एल्मुना से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सिरेमिक एंड एल्मुना से मिलके ये बना होता है। कोई डाउट वाली बात इसमें? कोई डाउट इसमें? तो ध्यान रखना आप जब कभी भी ये पूछा जाए कि आपका इस्तेमाल होता है, ऐसा समझ में आती है, और किस पदार्थ से मिलके बना होता है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सिरेमिक और किससे, एल्मुना से मिलके बना होता है। ध्यान रखना स्पार्क प्लग के बारे में। वोल्टेज तो पूछा जा सकता है, पहले तो आपको सबसे पहले यही तो पता होना चाहिए कि स्पार्क प्लग का इस्तेमाल कहां करते हैं। ये होता है स्पार्क प्लग। मैं डायग्राम इसीलिए सिर्फ दिखाता हूं कि एक आपको आइडिया लगेगा, आप अगर बाइक चलाते हो उसमें भी स्पार्क प्लग लगा होता है, आप देखते हो गए, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये है आपका क्वेश्चन। कभी आपका क्वेश्चन आ जाए कि ये डायग्राम देखे तो आप इसको बता सको ये क्या है आपका, ये आपका स्पार्क प्लग है। समझ में आती है सब बात? क्लियर है ना? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन लेड एसिड बैटरी एज द इलेक्ट्रोलाइट? लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4, NHO3, NaCl, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। किसका इस्तेमाल करते हो? तो जो आपका क्या बोला है, लेड, अब बहुत फेमस है, इसमें क्वेश्चन आता ही रहता है। जब कभी भी आपका लेड एसिड बैटरी आए, लेड एसिड बैटरी आए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है उसमें इस्तेमाल होता है जो आपका क्या, H2SO4। कैसे ध्यान रखोगे? इस डायग्राम से ध्यान रखोगे ऐसे। ये भी पूछा जाता है, जो आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी में, क्या इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आती बात? एनोड आपका पॉजिटिव है और आपका कैथोड आपका नेगेटिव है, तो आप ध्यान रखना इसको। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, एक में क्या रहता है, पोरस लेड, लेड है, और दूसरे में क्या रहता है, लेड डाइऑक्साइड। क्या है ये? लेड डाइऑक्साइड। यहां पे क्या मिलाते हो आप? H2SO4। ये आपका क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और फिर ये जो PbO2 होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये जो PbO2 होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो ये स्पॉन्जी लेड होता है, पोरस लेड होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PbS4 में। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक भी लाइन आपका इसमें बेफालतू का नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको लगे कि ये नहीं आएगा, मैं वही लाइन आपको बता रहा हूं, बार बार बोलता हूं, जो एग्जाम में आपके लिए अच्छा पेगा वो क्वेश्चन में 100%। मैं आपको बता रहा हूं ना, लेड एसिड बैटरी से 100% डीजल आप दे रहे हो पेपर ना, लेड एसिड बैटरी से 101% आपका क्वेश्चन आना है तय। और क्या आएगा इसमें? तो इलेक्ट्रोलाइट पूछा है H2SO4, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो आप इलेक्ट्रोड यूज करते हो लेड एसिड बैटरी में, वो किसका होता है? एक क्या होता है, ये पोरस लेड है, और दूसरा क्या है, लेड डाइऑक्साइड है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पूछा ही गया, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हो? H2SO4। और ये जब रिएक्शंस होती हैं तो क्या बनाता है? लेड सल्फेट बनाता है। समझ में आती है सब बातें? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या बोल रहा है? चेकिंग द ऑफ ट्विस्ट एंड बेंड, लिखित में से समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ही कोई दिक्कत? कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? गजरिंग का इस्तेमाल। कनेक्टिंग रॉड का कौन सा सिरा जोड़ते हैं पिस्टन में? छोटा सिरा जोड़ते हैं। बड़ा सिरा किसमें जोड़ते हैं? क्रैंकशाफ्ट में जोड़ते हैं। ध्यान होना चाहिए कनेक्टिंग रॉड के बारे में। क्लियर? बना किस क्रॉस स्टील्स का? ये आपका कनेक्टिंग रॉड से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितनी लाइनें मैंने बोली हैं, अगर वो आपको ध्यान है। समझ में आती बात? नेक्स्ट आइए।
डायरेक्ट इंजेक्शन द फ्यूल, द फ्यूल कंपोनेंट आर इन व्हिच द फॉलोइंग ऑर्डर। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर में ईंधन फीड प्रणाली में घटकों में निम्नलिखित में से किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो कुल मिला के ये जो आपका, अगर आपको ये देखा है आपने कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है CRDI। देखो उल्टा भी जा सकते हैं वो, और ये भी पूछ सकते हैं। अधिकतर आपने क्वेश्चन देखा होगा आपसे ये पूछा गया है कि CRDI का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पूछे हैं आपसे आज तक। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें उसका फुल फॉर्म लिख दिया है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। समझ में आती बात, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, अब CRDI कभी आपके पास आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कहां इस्तेमाल होता है ये? इस्तेमाल होता है डीजल इंजन में। समझ में आती बात, डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है। अब इससे ये पूछा गया है कि ये जो कंपोनेंट आपको दिए गए हैं उनका सही सही क्रम कौन सा है। तो देखने के लिए आप यहां देखो, आपका वो क्या आता है, वो आता है इंजेक्टर एंड इंजन। मैं आपको CRDI का पूरा प्रॉपर डायग्राम अच्छे से दिखाऊं, कोई डाउट तो नहीं। तो ये आपका ऑर्डर, मतलब जो निकालना वाला धुआं है उसमें क्या है आपका, तो क्या लगा कि इसको कम करते थे आप? यही तो अभी देखा है यहां पे, यही तो आप यहां पे देखे हो, ये अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यही यही तो देखा था, वही क्वेश्चन बार पूछा जा रहा है। और यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपको यही पे नाम दिया हुआ है, अगर इन सब चीजों को आपके बारे में पता है तो आप ऑप्शन यहीं से कर ले जाओगे, तो आपको सीधे कैटालिटिक किसका इस्तेमाल करके, प्लैटिनम का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हो, S2O। यहां पे क्या बना रहे हो, पैलेडियम का इस्तेमाल करके क्या बनाओगे, CO2। और आप रोडियम का इस्तेमाल करके क्या बनाओगे, आप N2। ये भी पता होना चाहिए। सब बातें क्लियर, डाउट जब भी एक झार्ज गैस की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी कैटलेटिक कन्वर्टर के बारे में, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्या दे रखा है? ए टॉर्क व्रिंच इज यूज टू, टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है टाइटन वायर, टाइटन बोल्ट एंड नट्स, एडजस्ट बोल्ट एंड नट्स या टाइटन ब्रेक। तो जब कभी भी ये नाम आ जाए टॉर्क रिंच, समझ में आती बात? जब भी कभी आपका टॉर्क रिंच, यही है टॉर्क रिंच, आपका क्या है ये टॉर्क रिंच है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये नट बोल्ट को कसने के लिए किया जाता है। किसमें कसने के लिए इस्तेमाल होता है? अब ये डायग्राम दे दे और आपसे पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है ये आपका टॉर्क रिंच है। समझ में आती बात? टॉर्क रिंच आपका है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो किसके लिए होता है? इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो होता है टाइटन बोल्ट एंड नट, बोल्ट और नट को कसने के लिए। कोई डाउट वाली बात? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? ए शार्प फ्लैट इज यूज टू, है आपका अवांछित धातुओं को हटाने के लिए चिप अनवांटेड मेटल। समझ में आती बात ये? क्लियर है? चिप अनवांटेड मेटल, ये देखो आप। देखो हर टाइप का आपको डायग्राम इसीलिए दिखाता हूं मैं, आपसे फ्लैट चीजों के बारे में पूछा है तो समझ में आती बात। ये है आपका क्या? फ्लैट चीजल। क्लियर है आपका? यहां आपका दे रखा है ये क्या क्या है यहाँ पे, और क्या पूछा जा सकता है आपको? हाफ राउंड चीजल भी पूछा जा सकता है, क्रॉस कट कैप चीजल भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। समझ में आती बात? ये डायग्राम दे देगा आपसे, ये डायग्राम आपको दे देगा और आपसे पूछेगा ये क्या है, कौन सी चीजल है, कौन है। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैटरी फेलियर आर मेनली कॉज, मिक्सिंग क्या कर देते हो? रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे आप अगर लेड एसिड बैटरी की बात करो, आपने पीबी लिया था, आपने क्या लिया था? PbO2, और आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था? H2SO4। तो यहां पे एकदम बढ़िया था इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या बना लेता था? फ्यूज आपका, ये क्या बना लेता था? PbSO4 बना लेता था। यहां पे भी आपका क्या बना लेता था? PbSO4, और इसमें से क्या बनता था? H2O। समझ में आती है? शेपिंग एंड फॉर्म
आ जाए तो भी आप बता पाओ कि ये क्या है, ये बॉल पिन हैमर है। क्या है आपका? ये बॉल पिन आपका हैमर है। समझ में आती है बात? ये क्लियर? इसीलिए डायग्राम से दिखा। देगा और आप पूछ लेगा ये कौन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहां पे, क्या है ये आपका? बोला जा रहा है विच कलर आर यूज ऑन अ साइन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अग्नि मिशन उपकरण के लिए प्रयुक्त संयोग संकेतों में किन रंगों का उपयोग किया जाता है? काले रंग के पृष्ठभूमि पे सफेद रंग का चित्र, यार एक व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन रेड बैकग्राउंड, लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्री आरेख, व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन ए ग्रीन बैकग्राउंड, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्री आरेख, या व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन येलो बैकग्राउंड, पीले रंग के पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का चित्र। आजकल आप चाहे कहीं भी चले जाए, मॉल चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, तो ये यंत्र रखा रहता है वहां पे। अगर आप ध्यान, ये देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, आज के बाद से ध्यान दीजिए। समझ में आती बात? ये क्लियर है? तो यहां जब भी अब पूछा जाएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, व्हाइट पिक्टोग्राम ऑन अ रेड बैकग्राउंड। क्या है आपका जो बैकग्राउंड होगा, मतलब बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि ये, और इस पर जो डायग्राम बना है पिक्टोग्राम इसको बोल रहा है, वो क्या है, व्हाइट है, सफेद है। समझ में आती है बात? ये जो पृष्ठभूमि है आपकी वो क्या है, लाल है। ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है? देखो अगर आप ये ध्यान दिए होगे तो अपने आप आइडिया लगेगा, और आप एक बार में ही देख के आपको इसको लग गया, हाँ यार ऐसी चीजें मैंने देखी। किसी भी आप चले जाओ, होटल में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, अब तो छोटी मोटी दुकान में भी रखे जाने लगा है, तो वहां पे देखोगे तो आप ये बना भी रहता है, लाल सिलेंडर भी रखा रहता है उस पर, तो उस पर देखोगे ना तो व्हाइट कलर का आपका, सफेद कलर का वहां पर ये बना रहेगा। ऐसे ध्यान है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल, ये याद होना चाहिए, डीजल का अपेक्षित घनत्व तो होता है 0.84। क्या होता है? 0.84। समझ में आती बात? अगर आपसे कैरोसिन का पूछ ले, कैरोसिन का आपका पूछ ले, वो कितना होता है, वो होता है 0.82। समझ में आता है क्या आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी? कोई डाउट वाली बात इसमें, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ डीजल इंजन द स्टार्टर मोटर इज ए, डीजल इंजन में स्टार्टर मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर में, सिंगल फेज एसी मोटर में, डीसी शंट मोटर में, या सिंक्रोनस मोटर में। किसमें होती है आपका? ये जो होता है आपका मोटर डीजल इंजन में, जो स्टार्टर मोटर होता है वो होता है आपका सिंगल फेज एसी मोटर। क्या होता है आपका? ये आपका होता है आपका क्या, सिंगल फेज एसी मोटर, बी ऑप्शन। क्लियर है? डीजल इंजन में जो आपका स्टार्टर मोटर होता है वो होता है सिंगल फेज एसी मोटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए जरा, ए फिलिंग द ब्लैंक्स है, इज ए हाई करंट रिले, रिले का मतलब क्या हो गया, स्विच, फॉर कनेक्टिंग द बैटरी टू द स्टार्टिंग मोटर, बैटरी की स्टार्टिंग मोटर में संयोजित करने के लिए प्रयुक्त एक उच्च रिले है, क्रैंकशाफ्ट रिले है ही नहीं, स्टार्टर मोटर आपका, यहाँ पे स्टार्टर स्विच होगा, यहाँ पे मोटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टर स्विच, और यहाँ पे क्या है, फिर स्टार्टर मोटर, फिर सोलेनाइड। तो जो वो इसकी बात कर रहा है, उच्च धारा, ये आपका होता है सोलेनाइड। समझ में आती बात? ये क्या होता है आपका, सोलेनाइड। जब कभी भी आपकी उच्च धारा की बात करें कि बैटरी को स्टार्ट करने के लिए जो प्रयोग करें, और इसमें सीधे सीधे लिखा उच्च धारा रिले, वो कहा क्या इस्तेमाल होता है वहां पे, सोलेनाइड। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इज ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड, बाहर थ्रेड को काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन उपकरण है, रिमर, ड्रिल, टैप, डाई। याद कर रखना आप, टैप, या जब आप कभी भी टैपिंग की बात करते हो तो ये क्या बनाएंगी, ये आंतरिक चूड़ियां बनाएंगी। क्या बनाएंगी आपकी? ये बनाएंगी आपकी आंतरिक चूड़ियां। इसका मतलब क्या है? ये बनाएंगी आपका इंटरनल थ्रेड। क्या बनाएंगी? ये इंटरनल थ्रेड बनाएंगी। समझ में आती बात? अगर हम यहां पे बात करें, आपका क्या रिमर है, रिमर क्या करता है आपका? रिमर आपका करता है स्मूथ प्रोसेस होता है सरफेस फिनिश। समझ में आती बात? स्मूथनेस का काम करता है। ड्रिल, ड्रिल का जो इस्तेमाल होता है वो होल बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आती बात? डाई जो होता है, डाई का मतलब होता है बाहर वाह चूड़िया, वाह चूड़िया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डाई। यानी क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल थ्रेड। समझ में आती बात? तो किसका इस्तेमाल करते हो? डाई। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है टैपिंग, ध्यान रखना इस बात को। टैपिंग, टैपिंग क्या बनाता है आपकी? आंतरिक चूड़िया बनाती है, इंटरनल थ्रेड बनाता है। कोई डाउट वाली बात इसमें? इसमें कोई डाउट वाली बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ अ फ्यूल इंजेक्टर, क्या बोल रहा है आपका? इन अ डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर इज, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का कार्य होता है टू इंजेक्ट द फ्यूल इनटू द क्रैंक केस, क्रैंक रेस में ईंधन को इंजेक्ट करना, टू डेवलप द प्रेशर ऑफ द फ्यूल, ईंधन इंजेक्ट करने के लिए दाब विकसित करना, टू इंजेक्ट ऑफ द फ्यूल इनटू द कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष में ईंधन इंजेक्ट करना, टू सप्लाई द फ्यूल इनटू द फिल्टर, फिल्टर में ईंधन की आपूर्ति करना। क्या बोल रहा है? फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल कहां करते हो आप? फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल आप डीजल इंजन में करते हो, सीआई इंजन में करते हो। क्या काम होता है फ्यूल इंजेक्टर का? फ्यूल इंजेक्टर का काम यह होता है कि जो आपके ईंधन है, जो आपका फ्यूल है, उसको कहां ले जाए? कंबशन चैम्बर में। कहां पे ले जाए? कंबशन चैम्बर में, टू इंजेक्ट द फ्यूल इन टू द कंबशन चैम्बर। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ ग्राइंडिंग व्हील द मोस्ट कॉमन यूज्ड मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव इज, अपघर्षक पहिए में सामान्यतः प्रयुक्त निर्मित अपघर्षक है, स्टील अलॉय, टीन अलॉय, लेड अलॉय। तो जो आपका ग्राइंडिंग व्हील की बात करते हो ना, वो हम अधिकतर बनाते हैं Al2O3 से, Al2O3 से। तो आपका क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ में आती बात? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो क्या बनाने में? ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील क्या है? सरफेस फिनिश प्रोसेस है। आपका एब्रेसिव का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो उसमें? सरफेस फिनिश का काम करते हो, सतह को स्मूथ बनाते हो। समझ में आती बात? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन आईसी इंजन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन पार्ट, नेमली आईसी इंजन को किन तीन नामक तीन भागों में विभाजित किया गया? सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक केस, या आपको सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक केस सम्प एंड ऑयल पंप, सिलेंडर ब्लॉक, कैमशाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट, किस में विभाजित किया गया है? तो जो आपका आईसी इंजन है वो डिवाइड है सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, और आपका किस में? क्रैंक केस में। इन तीनों के भाग में डिवाइड किया गया क्या आपका? आईसी इंजन। समझ में आती बात? ये क्लियर है? तो आईसी इंजन की बात करेगा, किस तीन भागों में डिवाइड किया गया है, वो आपका हो गया आपका सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस। क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात? इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दे रखा है आपका? ये दे रखा है द टाइम पीरियड बिफोर ओपनिंग अ वॉल्व इज कॉल्ड, वॉल्व से पहले समय विधि को कहा जाता है ओवरलैप, वॉल्व लीड, वॉल्व गैप या लैपिंग। ओवरलैप बोलते हैं, वॉल्व लीड बोलते हैं, वॉल्व गैप होते हैं या लैपिंग बोलते हैं, बताओ इसको, बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ आपकी वॉल्व इस्तेमाल कहां होता है? वॉल्व इस्तेमाल कहां?
वाल्व का जो इस्तेमाल करते हैं ये भी पूछा जाता है। देखो वही बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाल्व का इस्तेमाल आप करते हो आप किसमें? फोर स्ट्रोक में। फोर स्ट्रोक इंजन में आप वाल्व का इस्तेमाल करते हो। अगर हम बात करें यहां पोर्ट का, तो पोर्ट का जो इस्तेमाल करते हो आप वो किसमें करते हो? टू स्ट्रोक इंजन में। समझ में आती बात? ये कितने टाइप का होता है? ये होता है दो टाइप का, एक होता है इनलेट वॉल्व और एक क्या होता है आपका आउटलेट वॉल्व। समझ में आती बात? आंतरिक वॉल्व और बाहरी वॉल्व। अगर पोर्ट की बात करेंगे तो ये तीन टाइप का होता है, एक होता है आपका क्या इनलेट पोर्ट, क्या होता है आपका, एक होता है आपका इनलेट पोर्ट, दूसरा क्या होता है आपका ट्रांसफर पोर्ट, तीसरा क्या होता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। समझ में आती बात ये? क्लियर? तो जब वॉल्व की बात आएगी तो फोर स्ट्रोक इंजन में इस्तेमाल होगा, पोर्ट की बात आएगी तो टू स्ट्रोक में। ये पूछा जाता है इसलिए बता रहे। अब आपसे क्या पूछा गया है, आप यहां पे देखो, ये पूछा गया है कि वॉल्व को खुलने से पहले समय अवधि को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं आपका क्या? वॉल्व लीड। क्या बोलते हैं? वॉल्व लीड बोलते हैं। समझ में आती है? अगर वॉल्व ओवरलैप बोलता है, जब कभी भी वर्ड आए वॉल्व ओवरलैप, इसका मतलब यह है कि आपका इनलेट वॉल्व खुला है और उसी समय आपका क्या खुला हो? एग्जॉस्ट वॉल्व। उसको बोलते हैं क्या? आपका ओवरलैप। समझ में आती बात ये? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इनसाइड डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट सच एज द इनसाइड डायमीटर ऑफ अ होल अ ट्यूब, इनसाइड माइक्रोमीटर, बोर डायल गेज, डायल गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर अभी आया था क्वेश्चन, उसका क्या? वाह व्यास को मेजर करने के लिए किया जाता था। किसको? वाह वाह व्यास, यानी आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए, आउटसाइड आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए ये किया जाता है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का काम क्या रहेगा? इनसाइड डायमीटर को मेजर करोगे आप, मतलब आंतरिक व्यास को मेजर करोगे। किसको मेजर करोगे आप? आंतरिक व्यास को। ध्यान रखना ये सब बातें, रिवीजन कराता चलता हूं, ये भी यही से पूछा जाएगा यार, बार बार यही से पूछा जाएगा। अगर आपको पीवाईक्यू, जो जितने भी पीवाईक्यू आपके हुए हैं, उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन का पूछा जाएगा। समझ में आती बात? तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्टली तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सका है, तब आप कर पाओगे। समझ में आती बात? ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is a part of cooling system? निम्नलिखित में से कौन सा शीतलन प्रणाली का हिस्सा है? क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन। ये तो देख के आप बता दोगे ये तो कूलिंग का है ही नहीं बिल्कुल भी। ये आपका क्या है? थर्मोस्टेट वॉल्व क्या है? कूलिंग का हिस्सा है। ये तो है ही नहीं। क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड का काम क्या होता है? पिस्टन को किससे जोड़ देते हो आप? गजन पिन के द्वारा स्मॉल एंड को, छोटे कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे को गजन पिन के द्वारा पिस्टन से जोड़ने के लिए किया जाता है। बड़े सिरे को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट ये कूलन वाला तो है ही नहीं, कूलिंग का तो कोई रिलेशन ही नहीं। पिस्टन आपको पता ही, ये थोड़ी है पिस्टन का इस्तेमाल होता है। और आपका क्रैंक पिन भी नहीं पता है, क्रैंक पिन आपका इस्तेमाल कहाँ होता है? कनेक्टिंग रॉड को वहां पर जोड़ने के लिए क्रैंकशाफ्ट। तो ये तो है ही नहीं। सिर्फ आपका थर्मोस्टेट वॉल्व जो होता है वो आपके कूलन या शीतलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सपेंड द टर्म आरटीवी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीवी सीलर। आरटीवी सीलर के संबंध में आरटीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका क्या है ये बताओ? रोड टायर वल्कनाइजिंग, रिस्ट्रिक्ट टेम्परेचर वोल्टेज, रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग या रिजिड थिकनेस वोलेटाइल। इसका जो फुल फॉर्म होता है टीवी का RTV, ये होता है रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। क्या है? रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है आपका, क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे? ए इनसाइड माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर, तीसरी बार पूछा जा रहा माइक्रोमीटर पर सेम क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा जा रहा है। और जब कभी भी आपको अब इनसाइड माइक्रोमीटर, तो आपको इनसाइड व्यास यानी आंतरिक आंतरिक व्यास, डी ऑप्शन। बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं, इसको क्या मेजर करेगा, आउटसाइडर आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड डायमीटर को इनसाइड माइक्रोमीटर। तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फिन्स एट द टॉप ऑफ द मोटरसाइकिल इंजन सिलेंडर आर लॉन्गर देन दोज ऑफ द बॉटम बिकॉज। मोटरसाइकिल इंजन के सिलेंडर के ऊपरी भाग में मौजूद फिन निचली भाग के मौजूद फिन की तुलना में अधिक लंबे होते हैं, क्योंकि क्यों बताओ, देयर इज मोर स्पेस ऑन द टॉप, ऊपरी भाग में अधिक स्थान होता है, या हो गया आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड एट द टॉप, ऊपरी भाग में अतिरिक्त सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, या दे आर इन अनएक्सपेक्टेड पोजीशन, या वे गैर अनावृत स्थिति में होते हैं, या हॉट एयर एराइजेस, गर्म हवा ऊपर उठती है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिन का इस्तेमाल कहां होता है? बताओ फिन का क्या काम होता है? फिन जो इस्तेमाल हुआ होता है वो उसका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो देखो दो तरीके की कूलिंग होती है। कूलिंग मतलब शीतलन प्रदान कर रहे हो, समझ रहे हो। कूलिंग जो होती है वो होती है दो टाइप की, एक क्या होती है एयर कूलिंग होता है, एक होता है आपका वाटर कूलिंग। एक आप हवा शीतलन करते हो और एक आप क्या करते हो, पानी के द्वारा शीतलन करते हो। तो जब एयर कूलिंग की बात आएगी कभी, क्या नाम आया है, एयर कूलिंग की बात आएगी, जब कभी भी आपके पास एयर कूलिंग की बात आएगी तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, फिन। एयर कूलिंग की अगर बात कर रहे हो तो वहां पे फिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ में आ रही बात। और फिन बहुत, आप गाड़ी में टू स्ट्रोक, आप बाइक में देखे होगे टू व्हीलर में, तो बहुत पतली पतली वहां पे फिन्स लगी होती है इंजन के पास। उसमें क्या होता है, जब इंजन से आपका क्या गैस, आपका जो होता है उष्मा निकलती है बहुत तेजी से, तो जो आपकी हवा होती है ना वो ऊपर की ओर आती है, जो हवा होती है वो ऊपर की ओर आती है, इसलिए ऊपर के जो फिन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ताकि वो हवा जो है वो फिन के संपर्क में ज्यादा रहे, तो ताकि वो उसको ज्यादा ठंडा कर सके। समझो पहले इस बात कि जो उष्मा निकल रही है इंजन से उसमें क्या होता है, जो आपका एयर है ना वो कहां से, नीचे से ऊपर की ओर आती है। तो जो हमारा फिन होता है, जो फिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो गाड़ियों में, वो पहले क्या होता है, नीचे छोटे छोटे होते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते उसकी साइज बड़ा कर देते हैं। बड़ा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हवा ऊपर आएगी तो ज्यादा देर तक अगर उस फिन के संपर्क में रहेगी तो वो कूलिंग ज्यादा करेगी। रीजन पता चला तो क्या होगा, हॉट एयर राइजेस। समझ में आती बात, ये क्लियर है, रीजन पता चल गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज जनरली नॉट यूज, किस बैटरी का प्रयोग भारत के ऑटोमोबाइल इंजनों में नहीं किया जाता है, 12 का किया जाता है, 24 का किया जाता है, 6 का किया जाता है, 18 का नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का इस्तेमाल हम लोग के यहाँ नहीं किया जाता है, समझ में आती बात की, क्लियर है, 18 वोल्ट का इस्तेमाल हम लोग के यहाँ नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, What happens if the water level in the radiator is low? रेडिएटर में पानी का स्तर कम होने पर क्या होता है? इंजन डज नॉट स्टार्ट, इंजन स्टार्ट नहीं होता है, द इंजन गेट सीज्ड, इंजन सीज हो जाता है, द इंजन गेट ओवर हीटेड, इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है, द क्रैंक शाफ्ट डज नॉट रोटेट, क्रैंक शाफ्ट घूमता नहीं है। बताओ रेडिएटर का इस्तेमाल कहाँ करते हो, रेडिएटर, अभी मैंने आपसे बात किया एयर कूलिंग, अब यहां पे क्या बात करोगे आप, वाटर कूलिंग की, पानी के द्वारा इंजन को आप ठंडा करोगे, वहां क्या इस्तेमाल करते हो, रेडिएटर। फोर व्हीलर खोलोगे जब कभी भी बोनट कार का, वहां एक डिब्बा रखा रहता है, उसमें क्या रहता है, पानी रहता है, उसमें क्या रहता है, और उसमें आपका रहता है कूलेंट, जिससे आपका क्या रहता है, इंजन आपका क्या करता है, वो ठंडा करता रहता है। तो वही बोल रहा है वो कि अगर रेडिएटर में, जब कभी भी आप देखे होगे कि अगर आपके रेडिएटर में पानी कम है
तो वो इंजन को क्या करता है, बहुत ज्यादा गर्म करने लगता है। रेडिएटर का काम क्या होता है, रेडिएटर का काम इंजन को ठंडा करना होता है। अब रेडिएटर में ही पानी कम है, अगर रेडिएटर में ही अगर पानी कम है, इसका मतलब क्या है कि वो इंजन को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। क्या कर देगा, बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। समझ में आती बात, ये क्लियर है? यहां पे कोई डाउट, यहां पे कोई डाउट, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ ईजीआर सिस्टम यूजेज इंजन वैक्यूम ऑपरेट द ईजीआर वॉल्व। किस प्रकार की ईजीआर प्रणाली में ईजीआर वॉल्व को संचालित करने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया जाता है? वेट कंट्रोल, वैक्यूम कंट्रोल, वाटर कंट्रोल, पिस्टन कंट्रोल, दे ही रखा है वैक्यूम कंट्रोल, खत्म। किस तरीके का करते हैं, वैक्यूम कंट्रोल का, निर्वात नियंत्रित का। और एक बात ये जान लो, ईजीआर का जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है एग्जॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट। ये क्या होता है, गैस। ये क्या होता है, रिसर्कुलेशन। क्या होता है इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ध्यान रखना जब कभी इसका फुल फॉर्म पूछे ईजीआर का। क्लियर है यहां पे, कोई डाउट तो नहीं है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व रिमेन ओपन इन नोन एज, वह अवधि जिसके दौरान इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व खुले रहते हैं कहलाती है वॉल्व ड्यूरेशन, वॉल्व अवधि, वॉल्व लैग, वॉल्व लैग बोलते हैं, वॉल्व ओवरलैप, वॉल्व ओवरलैप बोलते हैं, या उसको वॉल्व लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। मैंने अभी बोला था कुछ समय पहले, एक ऑप्शन में और आया था, जब आपका वॉल्व होता है, आपका आंतरिक वॉल्व, एक होता है आपका बाह्य वॉल्व, तो जब दोनों वॉल्व, आंतरिक वॉल्व की बात कर लो, बाह्य वॉल्व, दोनों एक साथ ओपन होते हैं, तो ओपन मतलब खुले रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्व ओवरलैप। क्या बोलते हैं उनको, वॉल्व ओवरलैप, ध्यान रखना। और ये बार बार इसलिए बोलता हूं, याद हो जाए, यही सब पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। यहां आपसे ओवरलैप वॉल्व का बारे में पूछा, आप पूछ लेगा कि वॉल्व इस्तेमाल किस में करते हो, बताओ कि फोर स्ट्रोक इंजन में कितने वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है, दो टाइप का, एक आंतरिक वॉल्व, एक बाहरी वॉल्व, किसमें इस्तेमाल करते हो, फोर स्ट्रोक इंजन में। फिर ये पूछ लेगा टू स्ट्रोक इंजन में क्या इस्तेमाल करते हो, आप बताओ, पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कितने पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तीन पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा वो पोर्ट होता है, वो होता है आपका आंतरिक पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, और आपका कौन सा पोर्ट हो गया, बाह्य पोर्ट। ये सब ध्यान होना चाहिए, समझ में आती बात, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात, इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ओनली वोल्टेज, ओनली करेंट, ओनली एएमपी, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो जब कभी ये नाम आ जाए ना, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का मल्टी, मल्टी मतलब मारे बहुत सही, बहुत सारे, तो बहुत सारे का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनकी, भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए आपका मल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है। समझ में आती बात ही, समझ में आती बात ही, बहुत सारे भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, आती बात ही। तो हेक्सा ब्लेड की जो मानक लंबाई, बना किससे होता है, तो ये बना होता है उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है, ध्यान रखना इसको। उच्च कार्बन इस्पात का मतलब हाई कार्बन स्टील, ध्यान रखोगे इसमें, कोई डाउट वाली बात, कोई डाउट वाली बात।
की परसेंटेज कितना है, तो ध्यान रखना वो 0.7 से ग्रेटर देन होती है, ये भी ध्यान आप रखना। चलिए आपके हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। हाई कार्बन स्टील ध्यान रखना, जितने भी आपके ये मटेरियल है ना, जो कटिंग का काम करते हैं, हैमरिंग का काम करते हैं, वो सिर्फ किससे बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील से इसका मतलब क्या होता है? उच्च कार्बन इस्पात। इसमें कार्बन की अगर परसेंटेज की बात करें, कार्बन की परसेंटेज की बात करें, तो वो ग्रेटर देन कितना होता है? 0.7%। डाउट वाली बात? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो चीजल किससे बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील से। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें? दे रहा हूं आपको, जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, कुछ ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है। ये जो आपका डायग्राम है इस तरीके से है कुछ। ये डायग्राम आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट गिवन द फॉलोइंग फिगर। टूथेड लॉक वॉशर है, प्लेन वॉशर है, लॉक प्लेट है। आपका डायग्राम सर समझ में आती बात? ये डायग्राम से पूछता है, मैं बोल रहा हूं ना, ये डायग्राम आपको गिवन है, आपसे पूछा है, इसको देख के बताओ आप कौन सा है। तो ये आपका क्या है? स्प्लिट लॉक वॉशर। समझ में आती बात? क्लियर है इसमें? कोई डाउट तो नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ टर्बो चार्जर। निम्नलिखित में से कौन सा टर्बो चार्जर का हिस्सा नहीं है? टर्बाइन व्हील, थ्रस्ट बियरिंग, कंप्रेसर व्हील, मफलर। आपको अभी एक डायग्राम दिखाया था,
यानी आपका वर्क आउटपुट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, शक्ति जो है आपकी बढ़ जाएगी। इफिशियंसी आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। और एक ही ऑप्शन है, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनते हैं सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर से, इसीलिए मैंने सारा सारा जितना क्वेश्चन, कोई डाउट यहां यूज बाय एन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन द्वारा ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, क्या एनर्जी का इस्तेमाल करते हो आप, उष्मीय ऊर्जा। आपका क्या इसमें से, रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक रासायनिक ऊर्जा से किसमें कन्वर्ट, वो कस एयर क्लीनर को किसके लिए, अब आपसे ये कहा जाए आप क्या पूछ लेगा, ये डायग्राम दे सकता है। थिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट बाय द संयोजक, कभी भी आप कनेक्टिंग रॉड देखोगे आप में, अगर क्वेश्चन कनेक्टिंग रॉड से बनेगा तो क्या क्या बनेगा,
यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टिक स्टिक, जीआई वायर, सोल्डरिंग वायर, किसका इस्तेमाल करते हो? ये तो यार आपको पता ही, वेल्डिंग में आप सीधे सीधे किसका इस्तेमाल करते हो? इलेक्ट्रोड का। समझ में आती बात? इलेक्ट्रोड का, क्या किया? आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में सीधे सीधे किसका इस्तेमाल करोगे आप? आर्क वेल्डिंग के एग्जांपल कौन कौन से? एमआईजी वेल्डिंग, मेटल आर्ट इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन टीआईजी वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। समझ में आ गई? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, बहुत सारी वेल्डिंग है जो इसमें इस्तेमाल होगी। क्लियर है इसमें? इसमें तो क्या है? लेड एसिड बैटरी है। लेड एसिड बैटरी में ओनली स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केवल विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, केवल रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी दैट दे कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो आपने डेफिनेटली देखा होगा यार, क्या कर रहे हो आप? में तो कन्वर्ट करेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन है? ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। मतलब वहां पे क्या होता है? मैंने आपसे लेड एसिड बैटरी की बात की थी, तो लेड एसिड बैटरी में मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, लेड लेड ऑक्साइड होता है, या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और ये क्या बना देता है? लेड सल्फेट। रासायनिक होगी विद्युत ऊर्जा, पूरा बताया है, बदलेगी आपकी विद्युत ऊर्जा। क्लियर है इसमें? बार बार, हर बार जहां जहां वाल्व का नाम आया, कौन कौन से पोर्ट होते हैं? तीन तरीके के पोर्ट होते हैं। एक कौन सा होता है? इनलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, आंतरिक पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, ट्रांसफर पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, ट्रांसफर पोर्ट का इस्तेमाल करते हो, तीसरा आपका क्या होगा? एग्जास्ट पोर्ट का इस्तेमाल करते हो। समझ में आती बात? ये तो पोर्ट। वाल्व का इस्तेमाल कहाँ करते हो? वाल्व, वाल्व आएगा तो उसका इस्तेमाल करोगे आप फोर स्ट्रोक में। कौन कौन से होते हैं? एक आपका इनलेट वाल्व होता है, और एक आपका क्या होगा? आउटलेट वाल्व होगा। यहीं पे याद करा दूंगा, इतनी बार आपको बताऊंगा कि यहीं याद हो जाएगा। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर ये 14 पेपर आप लगा लीजिए जिस ट्रेड से, आप पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको एक आइडिया लगेगा। और इस प्रीवियस क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 150 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन का आपका रिविजन करा रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से मैं आपको तीन तीन क्वेश्चन नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जरूर बताता हूं। कि यहां पे देखो, पोर्ट के बारे में पूछा है, तो पोर्ट आप जान गए, टू स्ट्रोक इंजन में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको उसके टाइप बता दिए, कितने पोर्ट होंगे? इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, और आपका क्या है? एग्जॉस्ट पोर्ट। फिर मैंने आपको बताया वाल्व कहां इस्तेमाल होता है। वाल्व का इस्तेमाल आप फोर स्ट्रोक में करते हो। कौन कौन सा हो गया? इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। इसके साथ आपको चार क्वेश्चनों की जानकारी बिल्कुल फ्री। समझ में आ गई बात? तो वही तो बता रहा हूं, कहने के लिए ये 75 क्वेश्चन है, लेकिन 75 क्वेश्चन मतलब आपका इसी पेपर से डीजल से दोगे, कम से कम आपका यहां से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली इसी से आएगा, सिर्फ पीवाईक्यू से मैं बता रहा हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आती बात? क्लियर है? इसमें कोई डाउट वाली बात? इसमें कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द जनरल एंड सेंटर लाइन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट पिन इज कॉल्ड मुख्य जनरल। मुख्य जनरल और क्रैंकशाफ्ट पिन के केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्रैंक थ्रो कहा जाता है, वेब कहा जाता है, पिच कहा जाता है, या वैलेंस वेट कहा जाता है। तो जो ये डिस्टेंस को कहा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रैंक थ्रो। क्या बोलते हैं? क्रैंक थ्रो। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड किस तरीके का होता है? कनेक्टिंग रॉड
कनेक्टिंग रॉड किस तरीके का होता है? ये है कनेक्टिंग रॉड का शेप, आप बताओ देख के ये कनेक्टिंग रॉड का शेप किस तरीके का होता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस आप कनेक्टिंग रॉड का देखो क्या क्या दे रखा है। क्या वो पी सेक्शन है, क्या वो एल सेक्शन है, क्या वो डी सेक्शन है? बिल्कुल नहीं, कनेक्टिंग रॉड आपका ये होता है, आपका कनेक्टिंग रॉड ये होता है। ये आपका क्या होता है, छोटा सिरा, इसको बोलते हैं स्मॉलर एंड, स्मॉलर एंड, और इसको बोलते हैं क्या बिगर एंड। ये आपका छोटा सिरा हो गया, ये आपका छोटा सिरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया बड़ा सिरा हो गया। समझ में आती बात ये? तो किस शेप का हो गया लगभग, आई शेप का। समझ में आती बात ये? पी एल डी के शेप का तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट डायमीटर इज मेजर्ड, क्रैंकशाफ्ट का व्यास मापा जाता है किससे? बहिर्मापी माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर से, इनसाइड माइक्रोमीटर से, अंतर्मापी माइक्रोमीटर द्वारा, फिलर गेज द्वारा, बोर्ड डायल गेज द्वारा। आउटसाइडर माइक्रोमीटर द्वारा आप क्या मेजर करते हो, क्रैंकशाफ्ट डायमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक, आंतरिक व्यास को मेजर करने के लिए किया जाता है, आंतरिक व्यास को मेजर करने के लिए किया जाता है। फिलर गेज का इस्तेमाल कहां करते हो आप, क्लियरेंस, निकासी, क्लियरेंस को मेजर करने के लिए आप क्या फिलर गेज का इस्तेमाल करते हो। टू मेटिंग पार्ट जिनके बीच गैप हो, गैप को मेजर का काम का क्या करता है आपका, काम मेजर करने का करता है फिलर गेज। समझ में आती बात यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सपेंड द टर्म वी टी वी टी, शब्द का विस्तारित रूप क्या है बताइए। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वेरिएबल टाइमिंग एंड वॉल्व ट्रेन, वेरिएबल टाइमिंग एंड वॉल्व ट्रेन, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, वेरिएबल वॉल्व, वेरिएबल टाइमिंग, वेरिएबल वॉल्व या वेरिएबल टाइम, बताओ इनमें से वी टी वी टी किसका मतलब है? ये तो हो ही नहीं सकता। समझ में आती बात, बाकी आप बताओ कौन सा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तीन ही है, चार वर्ड, तो सी ऑप्शन तो गया। तो जो इसका मतलब होता है वो होता है आपका, ये होता है आपका वेरिएबल टाइमिंग, और वेरिएबल आपका क्या है, वेरिएबल टाइमिंग, वेरिएबल ट्रेन। समझ में आ गई बात, ये आपका क्या, वेरिएबल टाइमिंग और वेरिएबल ट्रेन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, ए डिवाइस, ए डिवाइस रेगुलेट्स करंट ओवर वेल्ट होज, एक्ट एज ए स्विच आर गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज कॉल्ड, वह उपकरण जो धारा या वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के लिए स्विच या गेट के रूप में कार्य करता है उसे कहा जाता है, रिले कहा जाता है, इंसुलेटर, इसमें तो विद्युत करंट फ्लो ही नहीं करता, डायोड ये भी नहीं इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर का काम आपका होता है, किसका काम होता है ये, ट्रांजिस्टर का काम। ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो धारा या वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के लिए किसका काम करता है, स्विच या गेट के रूप में काम करता है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है, यहां पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ पिस्टन टीडीसी से बीडीसी के बीच की गति को क्या कहा जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कहते हैं, बीएचपी का मतलब क्या बोल रहा है, ब्रेक हॉर्स पावर, इसका फुल फॉर्म है ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक अश्व शक्ति, बताओ क्या बोला जाता है इसको, या स्ट्रोक। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका होता है, बार बार बताया फिर बता रहा हूं मैं, ये आपका सिलेंडर होता है, यहां पे होता है आपका पिस्टन, ये आपका पिस्टन हो गया। समझ में आती बात, यहां आपके क्या लगे होते हैं, यहां पे आपका इनलेट वॉल्व लगा होता है, यहां पे क्या लगा होता है, आपका आउटलेट वॉल्व लगा होता है। समझ में आती बात, यहां से एयर या फ्यूल, ईंधन बोल सकते हो, यहां से इंटर करता है, और ये इसे बोलते हैं टीडीसी, इसको बोलते हैं बीडीसी, इसका मतलब क्या होता है, टॉप डेड
सेंटर, समझ में आती बात। और ये क्या होता है आपका बॉटम, डेड सेंटर, समझ में आती है सब बात, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो यहां से जब एयर यहां से आएगी, यहां पे प्रेशर लगेगा, तो ये जो है पिस्टन, ये क्या है आपका पिस्टन बोल रहा हूं मैं, ये पिस्टन आपका कहां जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। तो जब पिस्टन यहां से टीडीसी से बीडीसी जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रोक, क्या बोलते हैं स्ट्रोक। तो वही क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रोक, इसको क्या कहते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। कोई डाउट वाली बात यहां पे, यहां पे कोई डाउट वाली बात, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ मालफंक्शन इंडिकेटर लैंप ग्रीन लाइट इंडिकेट द सिस्टम नीड सर्विस सून, प्रणाली को तुरंत सर्विसिंग की आवश्यकता है। ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी इशू, गंभीर समस्या या सुरक्षा संबंधी मुद्दे को लेके द सिस्टम नीड टू बी रिपेयर्ड, प्रणाली की मरम्मत की जरूरत है। द सिस्टम इज ऑपरेटिंग नॉर्मली, प्रणाली सामान्य तरीके से काम कर रही। क्या सिग्नल दे रहा है वो आपको, जो सिग्नल दे रहा है वो किसका है, क्या दे रहा है ग्रीन लाइट। और ग्रीन लाइन का क्या मतलब होता है, रेड लाइन मतलब खतरा होता है, इसमें भी बताना है क्या, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट दे रहा मतलब आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, इसलिए गाड़ी आप अच्छी चल रही है। यही ग्रीन की जगह रेड होता इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की मरम्मत की तुरंत जरूरत है। अगर येलो देता तो मतलब ये है कि आप मरम्मत करा सकते हो, अभी काम चल सकता है। तो तीनों है ये, समझ में आ गई बात, मरम्मत की आवश्यकता दिखाता है पीला कलर, और रेड कलर तो तुरंत कराने की जरूरत होती है, समझ में आती है बात, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, बहुत बार बताया है सेंटर पंच के बारे में, तो बहुत बार बताया है मैंने सेंटर पंच का एंगल कितना होता है। अब आज भी क्वेश्चन शुरू किया था हम लोगों ने, तो सेंटर पंच से ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे सेंटर पंच पे बातें हम लोगों ने कर रखी है। ये कितना एंगल होता है सेंटर पंच का, ये क्या है, यही तो है सेंटर पंच, यही तो है सेंटर आपका क्या पंच, क्लियर है यहाँ पे, यही तो है आपका क्या सेंटर पंच। कितना एंगल दिखाया है 90 डिग्री। और मैंने आपको उसी समय क्या बोला था, आपसे दो और पूछे जा सकते हैं, प्रिक पंच पूछा जा सकता है 30 डिग्री है, और आपका डॉट पंच पूछा जा सकता है वो 60 डिग्री है, क्लियर है। यहां से आपको क्या पूछा है, सिर्फ यहां से जो आपको पूछा है वो पूछा है आपको सेंटर पंच, क्या पूछा है यहाँ पे, यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे सेंटर पंच के बारे में। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेंटर पंच, दैट इज व्हाट 90, समझ में आती बात। ये क्या है 30 डिग्री, ये आपका क्या है प्रिक पंच, समझ में आती बात है, क्लियर। 60 डिग्री आपका क्या है डॉट पंच। तो ये सब भी ध्यान रखना, एक ही नहीं ध्यान रखना सेंटर पंच ही, इन दोनों का भी ध्यान रखना, इनके बीच एंगल कितना होता है, समझ में आती बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, द फ्यूल इंजेक्टर ऑफ एन इंजन आर प्लेस्ड इन द, इंजन के फिल्टरों को लगाया जाता है कंबशन चैम्बर में, दहन कक्ष में, क्लीयरेंस वॉल्यूम में, या सिलेंडर हेड में, या आपके सिलेंडर पे, किधर लगाया जाता है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपके सिलेंडर हेड में, कहाँ लगाया जाता है आपके सिलेंडर हेड में आपका फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर का काम, और कोई समझ में आती बात ही, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट शो इन फिगर, चित्र में प्रदर्शित उपकरण है, यहां पे देखो डायग्राम नहीं बना है, डायग्राम थोड़ा कुछ ऐसे है, ये डायग्राम है आपका कुछ इस तरीके से, ये डायग्राम, और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट वो है सॉकेट स्पैनर, क्या सॉकेट स्पैनर, इसको क्या बोलते हैं सॉकेट स्पैनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या दे रखा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल चार्ज बैटरी। आपके फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.290। क्या होती है 1. ये पीछे भी डिस्कस कर चुका है, पूरा टेबल दे चुका हूं मैं फुल चार्ज बैटरी का, पूरा टेबल दे चुका हूं। वहां से देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा, आपको ये ध्यान होना चाहिए 1.290। समझ में आती बात ये, क्लियर है? तो ये ध्यान होना चाहिए अब आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द टर्म ईजीआर रिलेटेड, समझ में आती बात ये, क्लियर है? यहां पे कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आती बात? इसका क्या मतलब है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। समझ में आ गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिफरेंस कंपोनेंट किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमत अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, क्लियरेंस कहा जाता है, एयर गैप कहा जाता है, अलाउंस कहा जाता है, या टॉलरेंस कहा जाता है। क्या बोल रहा है, किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमत अधिकतम और न्यूनतम आकार को क्या बोलते हैं। क्लियरेंस क्या होता है, ये गैप होता है, एयर गैप होता है आपका, जो ये देते हैं ना ये टॉलरेंस होता है। किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अन्यूनतम अधिकतम, मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं 25 प्लस, यहां पे हमने लिखा 0.025 और यहां पे हमने लिखा -0.023, तो ये जो गैप है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोलरेंस। और इसी की बात की, अधिकतम और आपका क्या है न्यूनतम आकार, अधिकतम आकार क्या है इसका, अधिकतम आकार इसका है 25.025, इसको बोलते हैं अधिकतम। न्यूनतम क्या होगा, 25 में से आप कितना घटा दोगे, आप 0.023, ये आपका क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। क्लियर है सब, कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं। तो टॉलरेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, समझ में आने की बात ही क्लियर है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस सेंसर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध संवेदक का उदाहरण है, कैम पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर। तो जो आपका परिवर्ती प्रतिरोध संवेदक है वो आपका होता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। क्या है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। समझ में आती बात ये, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द इंजेक्टर एंड पंप कॉम्बिनेशन इनटू वन यूनिट पोजीशन ओवर ईच सिलेंडर कंट्रोल बाय द कैमशाफ्ट द्वारा नियंत्रण, प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर स्थित एक इकाई में समाहित इंजेक्टर और पंप को कहा जाता है, एक ही पे है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर पंप नहीं, यूनिट इंजेक्टर बोलते हैं उनको, एक ही में है। समझ में आती बात ही, क्या बोला जाता है इनको, यूनिट इंजेक्टर, लिखा है ना एक ही इस इकाई में हो, इसका मतलब वो यूनिट मतलब एक ही में, क्या आपका समाहित इंजेक्टर और पंप। समझ में आती बात ये, सीधे लैंग्वेज पढ़ो उसका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, व्हाट हैपेंस टू एन इंजन, व्हाट हैपेंस टू एन इंजन इफ द फैन बेल्ट वेरी टाइट, फैन बेल्ट अत्यधिक कसी होने पर इंजन के साथ क्या होता है, द वाटर पंप स्टॉप वर्किंग, द इंजन गेट हीटेड अप, द इंजन स्टार्ट रनिंग विद लो स्पीड, द रेडिएटर गेट हीटेड, रेडिएटर गर्म हो जाता है, इंजन धीमी गति से चलना शुरू करता है, इंजन गर्म हो जाता है, वाटर पंप आपका काम करना बंद कर देता है। तो जब आपके बेल्ट जो वाटर पंप है वो पानी देना बंद कर देगा, चलेगा ही, समझ में आ रही बात, चलेगा ही नहीं पंप, तो वो क्या करेगा, पानी देना बंद कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का
क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस यूज्ड इन अ स्टार्टिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग स्टार्टिंग सिस्टम में किया जाता है? वो मैं अभी इससे पहले भी एक चुका है, वहां पे हम लोग ने बताया था सोलेनाइड स्विच। सोलेनाइड स्विच का इस्तेमाल आपका स्टार्टिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे आपके 75 क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। और ये आपका क्या है, कौन सा पेपर है? डीजल इंजन का आपका ये पेपर खत्म होता है 23/1/2019। टाइमिंग यानी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आपने इस पेपर 75 क्वेश्चन कहने तैयार हो जाए, इस वजह से इस तरीके का वीडियो लाया जा रहा है। आप इसको अगर आप पूरे क्वेश्चन बन सकता है, कुछ तो डायरेक्ट पूछा जाता है उसमें, तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कुछ वैल्यू की रेंज दे दी जाती है। अब हेक्सा ब्लेड की इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर उसको याद हेक्सा 250 mm है तभी ये सब बात। बाकी जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने इसमें देखा कि जितने भी आपका ये मैकेनिक डीजल का पेपर है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए? कनेक्टिंग रॉड से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए? बैटरी से आए। कौन सी बैटरी? लेड एसिड बैटरी। समझ में आती बात? आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंजेक्टर से पूछा गया कि इंजेक्टर कौन कौन से इस्तेमाल करते हो। वाल्व से पूछा गया, पोर्ट से पूछा गया, और उसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।